गोरखपुर में जिला प्रशासन की पहल पर नगर निगम द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनवाया गया है। ये तालाब रामघाट तट पर बनाए गए हैं, जहां गणेश प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है, ताकि राप्ती नदी को प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जा सके। आपको बता दें कि इस कृत्रिम तालाब की लंबाई 50x40 मीटर की गई है, वहीं ये 5 मीटर गहरा भी है। बृहस्पतिवार को गणपति महोत्सव के अंतिम कड़ी में गजानन की मूर्ति का विसर्जन जोर शोर पर किया जा रहा है। शहर समेत आसपास के घाटों पर विसर्जन को लोग श्रद्धालुओं का विशाल जल समूह उमड़ पड़ा है। सुबह से लगाए शाम तक मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। लोग पूरे उल्लास से गणपति को विदाई दिए। ऐसे में रंग गुलाल और डीजे की धुन उत्साह को कई गुना बढ़ा दी।